दुनिया के 5 सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जहां की महिलाएं बुझाती है लोगों की प्यास, अपने खूबसूरत अदाओं से करती है लोगों को मदहोश। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है यहां की नाइट लाइफ। लोगों की प्यास बुझाने के लिए काफी मशहूर है यहां की खूबसूरत रातें। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां की लड़कियां खड़ी रहती है सिर्फ और सिर्फ आपकी रात को रंगीन करने के लिए। नंबर 5, जोना नॉट, टिजुआना, मैक्सिको। मैक्सिको के सबसे बड़े एरिया में से एक इस जगह की पहचान खूबसूरत लड़कियों से होती है। यहाँ की लड़कियाँ आमतौर पर सड़कों पर खड़ी रहती है। ये पूरा का पूरा एरिया इन खूबसूरत लड़कियों से ही भरा रहता है। इस एरिया को जोना नॉट के नाम से जाना जाता है। ये लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी प्यास बुझाने के लिए ही खड़ी रहती है। ये एरिया लोगों की प्यास बुझाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। हर साल यहाँ पर करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस नाइट लाइफ को एंजॉय करने आते हैं। नंबर 4, मियारी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के मियारी इलाके को दुनिया का सबसे बड़ा रंगीन लड़कियों का एरिया माना जाता है। यहाँ पर पूरे दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ा रंगीन लड़कियों का बाजार लगता है। इस इलाके में लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मौज मस्ती करने के लिए ही खड़ी रहती है। इस इलाके के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। अगर आपको अपनी प्यास बुझानी है तो आप इस इलाके में जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मदहोश करने के लिए ही खड़ी रहती है। और यहाँ पर लोगों को मदहोश करने वाली ऐसी हजारों लड़कियाँ मिल जाएगी। नंबर 3, वांचाई, हांगकांग। हांगकांग का वांचाई इलाका एक खूबसूरत परियों का शहर माना जाता है। यहाँ पर जाकर आपको थाईलैंड की याद आ सकती है। ये लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धंधा करने के लिए ही खड़ी रहती है, जो उसकी और आपकी दोनों की प्यास बुझा सकती है। अगर आप हांगकांग जाए तो वांचाई जरूर जाए, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपकी रात रंगीन हो जाएगी। हर साल यहाँ पर करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। नंबर 2, रिपर बैन, जर्मनी। रिपर बैन जर्मनी का वो एरिया है जहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खुद को बेचने के लिए ही खड़ी रहती है। इस एरिया को हर्बर स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ काफी ज्यादा सुंदर होती है। इस एरिया के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। अगर आप जर्मनी जाए तो इस जगह की सैर जरूर करें, क्योंकि ये जगह है ही आपके लिए एक खास डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ है ही इतने बिंदास कि आपकी प्यास को पल भर में बुझा सकती है। नंबर 1, काबुकिचो, टोक्यो, जापान। जापान के काबुकिचो एरिया को दुनिया का सबसे बड़ा रेड एरिया माना जाता है। यहाँ पर खुद का धंधा करने वाली महिलाएं हर जगह खड़ी रहती है। हर साल यहाँ पर लाखों लोग इस नाइट लाइफ को एंजॉय करने आते हैं। ये शहर खूबसूरत लड़कियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की लड़कियों को देखकर आप सोचने लग जाएंगी कि ये तो जन्नत है। ये महिलाएं खुद को और आने वाले लोगों को खुश करने के लिए फेमस मानी जाती है। जापान का ये एक ऐसा शहर है जहाँ की लड़कियाँ धंधा करके अपनी और आपकी जरूरतों को पूरा करती है। इस एरिया के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन ये एरिया लोगों की प्यास बुझाने के लिए काफी मशहूर माना जाता है।